सभी नाज़रीन और दर्शकों का आमना सामने मीडिया में इस्तकबाल है। आपको अपने धर्म की रक्षा करना है तो 50,000 का मोबाइल नहीं 5,000 का कट्ठा खरीदे रिवॉल्वर खरीदिए। ये हम नहीं कह रहे, जो वीडियो हम आपको बताएंगे उस वीडियो में कुछ शरपसंद अनासिर मुल्क के दुश्मन और इस देश में पनपती हुई फिरका परस्ती तासुब और एक खास धर्म के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उसके असरात है। कोई भी धर्म, दुनिया को कोई भी धर्म उठा के देखिए, मजहब उठा के देखिए, वह हिंसा की इजाजत नहीं देता। कोई भी धर्म हिंसा और जुल्म से नहीं फैलता या उसका प्रचार भी होता। कोई भी धर्म और मजहब शांति अखुद और भाईचारगी से पनपता और फैलता है। किसी भी धर्म के धर्म गुरु या उलमाए कराम हिंसा की इजाजत नहीं देते, जुल्म की इजाजत नहीं देते। ना उनका मजहब सिखाता है, ना उलमाए कराम, ना धर्म गुरु सिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे उस पर खास धर्म के शरपसंद अनासिर अपने धर्म के लोगों से ये कह रहे हैं कि 50,000 का मोबाइल नहीं 5,000 का कट्ठा खरीदो, यानी रिवॉल्वर खरीदो अपने धर्म को बचाना है। तो क्या ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं? क्या उस धर्म को जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म के लिए फायदेमंद है, या उस धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं या बर्बाद होने की बात कर रहे हैं? क्या ये उस धर्म के लिए खतरनाक है या लाभदायक है? ये उस धर्म के अमर और शांति पर चलने वाले उस धर्म के लोगों को समझना होगा और उस धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों को रोकना होगा। नहीं तो ये मुल्क जो फिरका परस्ती की आग में जल रहा है और इससे ज्यादा जलेगा और ये मुल्क के अमन और भाईचारे के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत ही नुकसानदेह होगा। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के बजाय बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहा गया है और किस तरह से एक धर्म के खास लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। हमारी सिर्फ उसी धर्म के मानने वालों से अपील है कि ऐसे लोगों को रोकने का काम आपका है, इनके खिलाफ इकट्ठा होने का काम आपका है और इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपका है। यहां सबसे बड़ी बात जो है ताज्जुब इस बात की है और अफसोस इस बात पर है, क्या वो सरकारी महकमे या पुलिस वाले आग बंद किए हुए हैं या एक साजिश के तहत इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये सरकार इस देश में अमन और शांति नहीं चाहती? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, इस देश के सामने, इस देश के अमन पसंद नागरिकों के सामने है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। सबके लिए बोल रहा हूँ 5,000 का फोन मत खरीदो, 2,500 रुपए का कट्टा खरीदो और बोलो जय श्री राम और उसके बाद सामान लोड करो और चलाओ गोली। बोलो जय श्री राम भाइयों, भाई बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बस यार कैसे बात करो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों, 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 जय श्री राम। हिंदू भाइयों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है, 50,000 का फोन मत खरीदो, 2,500 5,000 का कट्टा खरीदो और अपने हिंदू दल को बचाओ। जय श्री राम भाई।